मैच सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नहीं जो चीज आएगी ना। अमरीकी साजिश के बयानिये की हंडिया भी चौराहे पर फूट गई। साइफर के मामले पर इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान आजम खान को हिकमत अमली बता रहे हैं, कहा हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। आजम खान ने कहा मेरा ख्याल है साइफर के मामले पर एक मीटिंग कर लेते हैं, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे। एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है, सफारती जबान में इसे थ्रेट कहते हैं, मिनट्स तो मेरे हाथ में है, वो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। अहम तरीन बैठक में सर्विसेज चीफ्स और हसास इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका को खुफिया रिकॉर्डिंग्स के मामले पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी के मामलात का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। मैं मोहम्मद इसहाक डार सिदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। इसहाक डार ने खजाने की चाबियां संभाल ली। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब, सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए वज़ीर खजाना से हलफ लिया। डार की आमद के साथ डॉलर माफिया को धचका, इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 2.91 रुपए कमी, कीमत 231 रुपए पर आ गई। 4 रोज में इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 8.71 रुपए कमी हो चुकी है। वज़ीर खजाना ने माफिया को खबरदार कर दिया, कहते हैं करंसी से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी, सट्टेबाज बाज आ जाए। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज का सिलसिला थम न सका। दादू में गैस्ट्रो से एक और बच्चा जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 36 हो गई। टंडो अलायार में जल्द और पेट के अमराज का फैलाव, सांगढ़ में सैलाब मुतासिन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में सांप के काटने के 5 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा की अफवाहें मुस्तरद। कराची के हल्का इन्हें 237 और 239 में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। बल्दियाती इंतखाबात भी शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को होंगे, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। तर्जुमान के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हैदराबाद और दीगर शहरों में हालात बेहतर होने पर शेड्यूल जारी किया जाएगा। और रोडा की जानिब से रावी किनारे ज़मीनों पर कब्जे, कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, समा दस्तावेजात सामने ले आया। महमूद बूटी, सगिया और कोट ख्वाजा सईद की ज़मीनें कोड़ियों के मोल खरीदी जाएंगी। तहसील शालीमार में फ़ी एकड़ रेट 2 करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन रोडा ने सिर्फ 3 लाख रुपये फ़ी एकड़ रेट मुकर्रर किया है। दीगर मकामात पर भी करोड़ों की ज़मीनें कोड़ियों के मोल खरीदी जाएंगी।